जिन जंगली जानवरों को महज देखने भर से पसीने छूट जाते हैं, उन जंगली जानवरों से मुलाकात के दौरान लोगों के साथ क्या हुआ, ये दिखाने के लिए डीप इन्फो आज लेकर आया है एक स्पेशल वीडियो, जिसमें हमने ये कोशिश भी की है कि साथ ही साथ आपको पूरी फील भी दी जाए कि खतरनाक जंगली जानवरों से खुद मिलने पर अनुभव कैसा रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में नवंबर 2023 के दौरान नासिक के कुछ रिहायशी इलाकों में दो तेंदुए देखे जाने की खबरें सुनने को मिली। इलाके में काफी खौफ का माहौल बनने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चला कि एक तेंदुआ किसी आदमी के घर में घुसकर बैठ गया है, जिसकी पिक्चर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसके कुछ ही देर बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने दीवार में छेद करते हुए चुपके से तेंदुए को बेहोशी का इंजेक्शन दिया और सुरक्षित रेस्क्यू कर उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया। वहीं बात रही दूसरे तेंदुए की, तो इसे भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने गहरे रिहायशी इलाके की तंग गलियों से सुरक्षित पकड़ा और उसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया। कुछ ऐसा ही नजारा दिसंबर 2021 के दौरान राजस्थान के जयपुर में भी देखने को मिला। यहाँ भी एक तेंदुआ पासी के झलाना टाइगर रिजर्व से निकलकर रिहायशी इलाकों में लोगों के छत पर दौड़ता हुआ दिखाई दिया और कुछ ही समय में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा पकड़ लिया गया। अगस्त 2022 के दौरान अमेरिका की इडाहो मूल के लॉगन्स लॉन नाम के एक डर्ट बाइकर अपनी बाइक के साथ ऑफ रोडिंग कर रहे थे। इसी बीच उसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि उनके साथ साथ वीडियो देखने वाले लोगों तक की सांसें थम गईं। जनाब की किस्मत अच्छी थी कि भालू बाइक से टकराने के बाद भड़कने की बजाय खुद भी घबरा गया और तुरंत भाग निकला। बाकी यहाँ भालू भड़क जाता तो जनाब की स्टन गन कितना काम आती, यह आप सोच ही सकते हैं। Oh my God, I just hit a bear. Holy shit. Oh, I swear his mom was right behind me. मई 2023 के दौरान अमेरिका के वाशू काउंटी के एक शेरिफ ने ये क्लिप इंटरनेट पर अपलोड की और बताया कि कैसे उन्होंने एक कार में कैद हो चुके भालू को बाहर निकाला। ऑफिसर्स ने भालू के पास जाकर गाड़ी खोलने के बजाय डोर हैंडल को एक रस्सी से बांधकर दूर जाकर खोला और भालू को सुरक्षित बाहर निकाला। भालू ने गाड़ी में कैद होने के बाद किस कदर से हाथ पैर मारे होंगे, ये आप अगली कुछ क्लिप्स में देख सकते हैं। कुछ इसी प्रकार इन जनाब की कार में भी एक भालू घुसकर बैठ गया, लेकिन यहाँ भालू ने किसी दूसरी जगह हाथ पैर मारने की बजाय सीधे कांच पर जोर लगाया और यहाँ से भाग निकला। हाल ही में नवंबर 2023 के दौरान अमेरिका के टेनेसी में एक परिवार रेस्टोरेंट में बैठा डिनर एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी एक रास्ता भटका हुआ हिरन रेस्टोरेंट की कांच तोड़ते हुए एंट्री लेता है और रंग में भंग डालकर भाग निकलता है। अक्टूबर 2023 के दौरान अमेरिका के कोलोराडो में मौजूद एक होटल के किचन में एक भालू घुस गया। अब भालू खाना ढूंढ रहा था तो होटल का एक सिक्योरिटी गार्ड भालू को, गार्ड जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा वैसे ही उसकी आंखों के सामने भालू कुछ इस तरह से खड़ा हो गया कि मानो साक्षात यमदूत ही हूँ। गनीमत रही कि भालू ने उसे सिर्फ धक्का देकर गिराया और भाग गया। बाकी यहाँ भालू गार्ड के साथ क्या कुछ कर सकता था, आप सोच ही सकते हैं। इंसान द्वारा किए अच्छे बुरे सभी कर्मों की सजा देर सवेर ही सही भुगतनी जरूर पड़ती है, लेकिन एक डॉग को छेड़कर भाग रहे इन महानुभाव को तो तुरंत ही मिल गई। मई 2021 के दौरान टेक्सास के एक इलाके में रहने वाले लोग उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने एक बाघ को खुलेआम घूमते हुए देखा। बाघ को देख पूरे इलाके में खौफ की लहर दौड़ गई और लोगों ने पुलिस को बुला लिया, जिसके कुछ ही देर बाद एक ऑफिसर मौके पर पहुंचा और बाघ को शूट करने ही वाला था कि तभी एक शख्स आया और ऑफिसर से गोली न चलाने की रिक्वेस्ट करने लगा। ये बाघ दरअसल इन जनाब का पालतू था। बरसात के बाद जहां आमतौर पर लोगों की मुलाकात मेंढकों से होती है, वहीं हाल ही में चेन्नई की सड़कों पर मगरमच्छ देखने को मिला। यहाँ आप कुछ डॉग्स को किसी पर भौंकते हुए देख रहे होंगे। अब डॉग्स किस पर भौंक रहे थे, ये जानने के लिए बस कुछ सेकंड्स के लिए रुकिए। माफ कीजिएगा, लेकिन अगर आपका घर खुले इलाकों जैसे खेत या जंगलों के करीब है तो ये वीडियो देखने के बाद शायद आपको चप्पल भी सोच समझकर उठानी पड़ेगी। कल्पना कीजिए आप जंगल में हाइकिंग करने के लिए गए हों और इसी बीच एक भालू आपके पीछे कुछ इस तरह से हाथ धोकर पड़ जाए। जहां कल्पना मात्र से ही आपका शरीर ठंडा पड़ जाता है, वहीं जनाब की हालत कैसी रही होगी, आप सोच ही सकते हैं।
खैर जनाब की किस्मत अच्छी थी कि भालू कुछ देर मशक्कत करने के बाद वापस पेड़ से नीचे उतर गया। 2022 के दौरान सोशल मीडिया पर यह क्लिप जमकर सुर्खियों में आई, जिसमें किसी ने दावा किया कि गाय इस तरह से दूध दे रही हैं, तो किसी ने कहा कि गायों को काटने भेजने से पहले उनकी स्किन में कट लगाकर उसका दूध पूरी तरह से निकाला जा रहा है। लेकिन वीडियो की सच्चाई कुछ और ही थी। ये दरअसल गाय का हुए एब्सेस यानी कि एक तरह की फोड़े को खाली करने का प्रोसीजर था। वहीं दूध जैसा दिखने वाला ये व्हाइट लिक्विड फोड़े से निकलने वाला पस था। उम्मीद है अब आपको वीडियो की सच्चाई समझ आ गई होगी। ऐसे ही सटीक जानकारी भरी और भी वीडियोस देखने के लिए आप डीप इन्फो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। अक्टूबर 2023 के दौरान महाराष्ट्र के कोपर गांव में एक तेंदुआ घुस आया, जिसने कई लोगों पर हमला किया और सैकड़ों में दहशत का माहौल पैदा किया। हालांकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने किसी भी गंभीर दुर्घटना से पहले इसे पकड़ तो लिया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने तेंदुए के पास जाकर इसे मुकाबला करने की कोशिश की, जिसके चलते उन्हें मामूली चोटों का दर्द झेलना पड़ा। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपके हाथ में कोई भी हथियार क्यों ना आ जाए, आपको कभी भी तेंदुए जैसे खतरनाक जीव के सामने जाने की गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जैसे इन जनाब ने की। ये कपल एक हाथी संग फोटो क्लिक करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हाथी जनाब जरा अलग मूड में थे, जिसके चलते उसने क्या किया एक बार आप खुद देखिए। अगस्त 2023 के दौरान ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में ये जनाब फिशिंग कर रहे थे, लेकिन जनाब फिशिंग में इतने मस्त हो गए कि उन्हें पता तक नहीं चला कि पीछे एक मगरमच्छ तालाब से निकलकर जमीन पर आराम फरमाने बैठ गया है। गनीमत रही कि जनाब को किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने से पहले इसकी भनक लग गई और वो तुरंत यहाँ से भाग निकला। वैसे बता दें कि क्वींसलैंड का ये रिवर बैंक मगरमच्छों का रेस्टिंग बेड भी है, यहाँ अक्सर मगरमच्छ देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी लोग न जाने क्यों ऐसी मूर्खता भरी हरकतों से बाज नहीं आते। जुलाई 2022 के दौरान मैक्सिको में घूमने गई ये मोहतरमा उस समय शर्म से लाल हो गई जब बेचारे का पाला एक शरारती स्पाइडर मंकी से पड़ गया। वैसे किसी डॉग को ऐसा करने के लिए ट्रेन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर किसी के साथ सचमुच ऐसी घटना हो तो ये कितना शर्मिंदगी भरा अनुभव होगा। लगभग 4000 PSI के बाइट फोर्स वाले मगरमच्छ दुनिया के सबसे ताकतवर जबड़े वाले जीव होते हैं, ये बात तो आप शायद पहले से जानते होंगे, लेकिन फिर भी सटीक समझने के लिए आपको मैं अगली कुछ क्लिप्स देखने की सलाह दूंगा। कल्पना कीजिए आप जंगल में घूमने गए हैं और झाड़ियों से निकला एक विशालकाय एलिगेटर आपके तरफ कुछ इस तरह से बढ़ना शुरू करते हैं। बता दें कि जहां एक सामान्य इंसान की दौड़ने की स्पीड 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है, वहीं एक सामान्य एलिगेटर की 35 मील यानी कि ये लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। अब ऐसे हालात में आप क्या करेंगे, कॉमेंट्स में हमें बताना जरूर। आपके कॉमेंट्स देखकर हम अगली वीडियो में इसका सही तरीका भी बताएंगे। काइट सर्फिंग वैसे तो काफी रोमांचक स्पोर्ट है, लेकिन इन जनाब के लिए यही स्पोर्ट उस समय रोमांचक से खौफनाक बन गया जब उसका बोट समुद्र में मौजूद एक शार्क से टकरा गया और शार्क उसके पीछे पड़ गए। जनाब की किस्मत अच्छी थी कि उसने सही समय पर बोट को घुमाकर रवानगी ले ली और जिंदा बच निकला, वरना अंजाम आप सोच ही सकते हैं। कुछ इसी प्रकार सिडनी बीच के पास इन जनाब को भी एक व्हेल ने टक्कर मारकर गिरा डाला। जनाब को धक्का इतना जोरदार लगा कि वो सरफेस से लगभग 30 फुट गहरे पानी में चले गए। कल्पना कीजिए आप नहा रहे हैं और इसी बीच आपको पता चले कि एक बिच्छू आपके करीब आने की कोशिश में जुटा हुआ है। यहाँ आप देखेंगे कि कैसे एक बंदर स्टूडेंट से भरे क्लासरूम में घुसा और पूरी क्लास छोड़कर सिर्फ एक लड़की के पास जाकर उसका हाथ थामकर बैठ गया। जनाब ने हाथ तो ऐसे पकड़ा कि मानो लड़की को बद्रीनाथ की दुल्हनिया नहीं बल्कि बंदरीनाथ की दुल्हनिया बनाने को तैयार कर रहे हो। बरसात के दौरान पानी से बचकर भागते हुए इंसानों को तो आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन सितंबर 2023 के दौरान लंदन की एक जू से वायरल हुई इस क्लिप में आप दो गोरिल्लास को देखने वाले हैं। पानी से खेलने का शौक सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बंदर भी रखते हैं। ये नजारा देखने के बाद इस बात पर आपको अच्छी तरह से यकीन भी हो जाएगा। No, I'm not backing up.
Yes, I'm trying to, but Kay's telling me to back up. I'm not going to. Oh, yes. We're fine. It's raining monkeys. सितंबर 2021 के दौरान मुंबई के गोरेगांव से रिकॉर्ड हुई इस क्लिप ने सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरी, जिसमें दिखा गया कि एक बुजुर्ग महिला छड़ी लिए हुए घर से बाहर आती है और ठंडी हवा में बैठ जाती है, लेकिन महिला को भनक तक नहीं थी कि उसके पीछे एक तेंदुआ शिकार की तलाश में ताक लगाए बैठा है। तेंदुए ने महिला के बैठते ही उस पर हमला बोल दिया, लेकिन महिला ने पैनिक होने के बजाय सूझबूझ दिखाते हुए जैसा हुआ वैसा छड़ी से पलटवार करने लगी और जोर जोर से शोर मचाया, जिसके चलते तेंदुआ घबरा गया और इससे लकी महिला की जान बच गई। बीच पर चल रही बुल फाइटिंग के दौरान झूला खा रहे ये महानुभाव भी बाल बाल बचे। स्कंक्स अपने खतरनाक बदबूदार स्प्रे से किस तरह से अपने दुश्मनों को डराते हैं और भगाते हैं, ये तो हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन जिन इलाकों में ये पाए जाते हैं वहाँ लोगों में इन्हें लेकर कितना खौफ होता है ये आप इस अगली क्लिप में देखकर समझने वाले हैं। बेचारी लड़कियाँ स्कंक को महज देखने मात्र से भी ऐसे भागी कि मानो कोई भूत देख लिया हूँ। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इनका स्प्रे कितना जालिम होता है। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी जीप पर घूम रहे एक टूरिस्ट ने ये क्लिप फिल्माई और बताया कि कैसे उन्होंने एक टाइगर का पीछा करने पर कुछ इस तरह का नजारा देखा। बाघ इधर उधर घूमने के बजाय सीधा चला जाता तो सामने जीप के बाहर खड़े लोगों के लिए खतरा किस हद तक बढ़ सकता था आप सोच ही सकते हैं। जुलाई 2023 के दौरान महाराष्ट्र के कोल्हापुर से भी एक क्लिप वायरल हुई, जिसमें आपको एक तेंदुआ घर में घुसता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तेंदुआ जैसे ही घर के बाहर पहुंचा तो उसे चेयर्स पर सो रहे दो डॉग्स दिखाई दिए और जनाब सीधे इसे दबोचने की तैयारी करने लगे, लेकिन तेंदुआ जैसे ही डॉग को दबोचता उससे पहले डॉग की आंखें खुल गईं और वो बिजली की रफ्तार से भाग निकला। वहीं जब तेंदुए ने दूसरे डॉग को दबोचने की कोशिश की तो दोनों डॉग्स एकजुट हो गए और दोनों पूरी ताकत के साथ तेंदुए पर टूट पड़े। दोनों में जोश देख बेचारा तेंदुआ भी घबरा गया और दुम दबाकर भागता हुआ दिखाई दिया। अगली क्लिप को ध्यान से देखिए और सोचिए कि हाथी को इतना करीब से देखने पर बस ड्राइवर की हालत कैसी रही होगी। एक नजर इस दृश्य पर भी डाल लीजिए, जब कर्नाटक के चमराजनगर मेडिकल कॉलेज की कोर्ट्स में एक तेंदुआ घुस गया। काफी घूमने के बाद तेंदुए को एक रूम का दरवाजा खुला मिला। अब तेंदुआ अंदर बैठे लोगों को देखकर भाग गया या रूम खाली देखकर भाग गया ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई रूम में बैठा होता तो आज शायद उसके जीवन का सबसे अनलकी दिन था। कांच से टकराते हुए इंसान तो आपने कई बार दिखे होंगे, लेकिन क्या हुआ जब एक स्क्वायरल कांच की चपेट में आई। जुलाई 2023 के दौरान अलीगढ़ में आई बरसात के बाद लोगों में उस समय दहशत का माहौल पैदा हो गया जब उन्होंने रात के अंधेरे में सड़क पर घूमता हुआ एक मगरमच्छ देखा। मगरमच्छ कई लोगों के पास से गुजरा तो उन्होंने इससे बचते हुए पासे में मौजूद एक तालाब में खदेड़ दिया। लोकल्स के मुताबिक ये मगरमच्छ पासे के तालाब में रहता है और बरसात के बाद पानी ओवरफ्लो होने के चलते शहर की सड़कों पर अक्सर देखने को मिलता है। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे अभी तक पकड़ा या नहीं, इससे जुड़ी कोई भी जानकारी हमारे सामने नहीं आई। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सीरीज को जारी रखने के लिए कॉमेंट बॉक्स में पार्ट 26 जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।